फाइटरलैंड आर्मी वीलॉग इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत में, महाराष्ट्र राज्य में, नासिक सिटी में आए हैं और आज हम मिलना है एक विशेष व्यक्ति से जिनका नाम है तबरेज शेख और ये पत्रकार है। पत्रकार जो होते हैं ये समाज का आईना होते हैं और हमें वो न्यूज़ अपने घर तक पहुंचाते हैं। और पत्रकारिता का जो क्षेत्र है ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें पत्रकार जो होता है इसको पब्लिक की ओर से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो हमारे जो आज के पत्रकार है तबरेज जी, तो इन्होंने कुछ सालों पहले, अभी 4 साल पहले की बात है, कि गंगापुर रोड पे एक जो लेपर्ड था उसका काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद के वजह से लेपर्ड का जो ये शूट कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस लेपर्ड ने इनके जिस कैमरा सेट किया हुआ था तो लोगों की गलती की वजह से उस लेपर्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ और तबरेज जी जो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस लेपर्ड ने इन पे काफ़ी ज़्यादा जोर में अटैक किया। लेकिन वो अटैक करने के बावजूद और उनको काफ़ी चोट लगने के बावजूद इन्होंने वो रिपोर्टिंग कंप्लीट की और अपना जो कैमरा था उस कैमरे को लेकर वो अपने कलीग के पास गए, वो कैमरा उनको दिया और उन्होंने अपनी शूटिंग शूट जो था वो कंप्लीट किया, रिपोर्टिंग कंप्लीट की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो जॉब है, इनका जो कार्य है, उन्होंने ये कार्य अच्छी तरह संपूर्ण किया और काफ़ी दिक्कतों का सामना किया उन्होंने। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका जो एंकल है वो काफ़ी सारा ब्रेक हुआ है, उनको रॉड भी बिठाया गया था। तो हम उनको पहले सलाम करना चाहेंगे हमारे चैनल की ओर से और आपसे पूछना चाहेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, आप बता पाएंगे? सुबह 9:30 का टाइम था, मुझे कॉल आया क्या लेपर्ड आया है गंगापुर रोड पे और वो बहुत ज़्यादा है, ये एग्रेसिव है। तो मैं उसको न्यूज़ कवर करने के लिए वहाँ पे गया था अच्छा और मैं जब वहाँ गया तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी वहाँ पे और वो लेपर्ड एकदम एग्रेसिव था। अच्छा मैं एक बंगले के कार पार्किंग के ऊपर उसको शूट करने के लिए के ऊपर खड़ा था कैमरा लेके, अच्छा और उसी वक्त वो कार जो बंगले के अंदर छुपा था वही बंगले की कार पार्किंग के ऊपर मैं खड़ा था और वो पार्किंग में से निकला और निकल के डायरेक्ट मेरे पास आया और मेरे पे अटैक किया। अच्छा मैंने उसको ये करते हुए, मेरे पीछे 8-10 लोग थे, मैं अगर रिटर्न जाता तो उधर वो आता और बाकी लोगों को ये करता, इसके लिए मैंने वो जिधर से आया उस साइड मैंने उड़ी मारा और वो मेरा अंग पे उसने जम किया, हम अच्छा दोनों नीचे गिरे और उस घटना के अंदर मेरा पैर टूट गया अंग पे। टूट गया था। ओके, आपने जैसे कि देखा उन्होंने अभी आपसे क्या कहा है, तो उनका जो कार्य है वो परमो धर्म है उनका और अपना कार्य उन्होंने अपनी जान पे खेलकर पूरा पूरा किया है। तो मैं मीडिया से कहना चाहूँगा, जो अपने भारत की मीडिया है, आप देश का गर्व हो और इस तरह के जो रिपोर्टर है, मैंने अपने चैनल में बार बार कहा है कि कोई भी देश महान बनता है महान सोच की वजह से और महान व्यक्तिमत्व के ओर से, और आज के जो महान व्यक्तिमत्व है उनका नाम है तबरेज शेख, तो मैं उनका सत्कार करना चाहता हूँ। सत्कार करेंगे दत्ता अरे कभी आम साथ में बनते दत्ता पर सर करेंगे, ये भद्रकाली पुलिस स्टेशन से और ये इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, तो इनके हाथ से उनका सत्कार करेंगे हम मिडिल। और इनके साथ में पुलिस सब इंस्पेक्टर PSI माली, जितेंद्र माली सर भी है, तो मैं चाहूंगा कि वो उनका सत्कार करें। चलो अभिनंदन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 शब्द कहें इस चैनल के बारे में। पत्रकार हर तरीके है कि हर मुसीबत के अंदर वो अपना काम करता है, पर ऐसी कुछ घटना होती है तो समाज की तरफ से जो पत्रकारों को जो सहानुभूति मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, पर आज
चार साल के बाद मेरे जो मेरे कार्य की दखल लेते हुए मेरा सत्कार किया गया है, मैं नासिक के जूना नासिक के पत्रकार संघ की तरफ से मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ।